हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर वन होल 1/2 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए 1000 रुपीज पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है पर एनम। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8% पर एनम। ठीक है, तो एक साल में 8% लग रहा है इंटरेस्ट। अब बोला है कि कितने के लिए निकालना है, आपको निकालना है 1.5 साल के लिए, मतलब 1.5 ईयर्स के लिए। व्हेन इंटरेस्ट इज, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड किया जा रहा है, कंपाउंड किया जा रहा है हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पर इंटरेस्ट जो है ऐड कर दिया जा रहा है प्रिंसिपल में। तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कि कंपाउंडेड कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये पर एनम का दिया हुआ है। तो आपको पहले हाफ ईयर का इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 8% पर एनम दिया हुआ है, सोचिए कि एक साल का यदि 8% लग रहा है इंटरेस्ट, तो हाफ ईयर के लिए कितना लगेगा, 4%। ऑब्वियसली इसका आधा है कि नहीं, इसका हाफ कर देंगे। और जो टाइम है वो 1.5, इतना ईयर्स है, यदि इतना ईयर्स है तो इसको हम यदि फ्रैक्शंस में लिखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 1 1 एंड 1 3 3/2 मिल जाएगा इतना ईयर्स। इसको यदि हम कन्वर्ट करें कि कितने ये हाफ ईयर्स होंगे, मतलब 3/2 जो है कितना हाफ ईयर होगा, इसे यहाँ समझ सकते हैं आप। ये जो 1 है ये है कंप्लीट, मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स। और ये 1/2 जो है एक अलग हाफ ईयर है, मतलब कुल मिलाएगा 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो यदि 3/2 ईयर्स को यदि कन्वर्ट करना है, हाउ मेनी हाफ ईयर्स होंगे, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से कट जाएगा यहाँ पर, और ये मिल जाएगा 3 हाफ ईयर्स। ये हम क्यों निकाल रहे हैं 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि हमें तीन बार हमें कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को। ठीक है, 3 बार करना है हाफ ईयरली, इसलिए हम यहाँ पर टाइम को जो है हाफ ईयर के हिसाब से निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले लिख लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ हाफ ईयर, इज इक्वल टू 8% का आधा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, मीन्स मिल जाएगा आपको 4%, 4% हाफ ईयर, हाफ ईयरली। ठीक है, और टाइम जो होगा, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 3/2, जो यहाँ पर ईयर्स दिया हुआ है इसको हम हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स 3/2 में यदि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो मिल जाएगा कितने हाफ ईयर्स होंगे, तो ये कट जाएगा यहाँ पर और मिल जाएगा 3 हाफ ईयर्स। हम इसलिए 3 हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं टाइम को, क्योंकि हमें कंपाउंडेड करना है हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है 6-6 महीने पर, इसलिए हम हाफ ईयर्स निकाल रहे हैं। तो 3 हाफ ईयर्स होंगे 1.5 साल में, है कि नहीं। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब निकालेंगे एस आई फॉर दी, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक्चुअली कि फॉर दी फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर दी फर्स्ट हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हम निकालेंगे पहले प्रिंसिपल क्या होगा, तो पी हो जाएगा आपका 1000 ही, इसमें कोई चेंज नहीं है 1000। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 4% होगा पहले हाफ ईयर के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए तो हमने कैलकुलेट किया हमें 4% हाफ ईयरली होगा। ओके, रेट ऑफ, ओके, टाइम यहाँ पर कितना होगा, टाइम जो है हम टी इज इक्वल टू लेंगे 1 हाफ ईयर। ठीक है, तो 1 हाफ ईयर लिखने का मतलब कि केवल हम टी की जगह पे 1 ही यूज करेंगे। ठीक है, 1 हाफ ईयर। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट हाफ ईयर। यहाँ जो फर्स्ट लिखा हूँ मैं, इसका मतलब कि फर्स्ट हाफ ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे वही चीज़, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, पी यूज करेंगे आप 1000, तो 1000 हो गया इंटू रेट आप 4% यूज करेंगे, 4 × 1/2 ईयर अपान 100। सॉल्व करेंगे मिलेगा, आप देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 4 से 40 मिल जाएगा। मीन्स 40 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, ये निकल चुका है।
अब हम निकालेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 1000 प्लस, देखिए 1000 में हम ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, तो 40 रुपीज़ आया था, 40 रुपीज़ में ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा प्रिंसिपल अब हमारा सेकेंड हाफ ईयर के लिए 1040, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप वही यूज करेंगे 4% फॉर वन हाफ ईयर, एंड टाइम जो है वो तो वन हाफ ईयर ही रहेगा। तो वन हाफ ईयर का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ बस हाफ ईयर यहाँ पर, बट आप समझ जाइए कि केवल टी की जगह पे आप वन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, तो ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो यहाँ पर हो जाएगा पी जो प्रिंसिपल होगा वो 1040 होगा, 1040 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 यूज करेंगे इंटू टाइम यूज करेंगे वन हाफ ईयर अपान यहाँ पर हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 2 2 4 एंड 2 5 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा आपको 2 4 8 0 एंड 2 2 अपान 5 5 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, मिलेगा हमें डेसिमल में मिल जाएगा 5 4 20 5 4 20 एंड 5 1 5.56 30, तो 41.6 रुपीज़ मिल गया है, ठीक है। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। अब जो है हम निकालेंगे फॉर दिस थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर द थर्ड हाफ ईयर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ओके। तो थर्ड हाफ ईयर के लिए हो जाएगा पी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो जो सेकेंड हाफ ईयर में जो था आपका प्रिंसिपल उसमें ही ऐड कर देंगे आपका इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1040 में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट जो सेकेंड हाफ ईयर में आया था, यहाँ इतना आया था तो ऐड कर देंगे 41.6 रुपीज़। सो आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल कितना 1081.6 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्ट, सॉरी दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है 4% यूज करेंगे, और टाइम जो है आपको पता ही है 1 यूज करेंगे मीन्स 1 हाफ ईयर। सो यहां पर अब हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर इज इक्वल टू पी आर टी पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। सो यहाँ पर पी जो है प्रिंसिपल हो जाएगा 1081.6 मल्टीप्लाइड बाई आर मीन्स 4% इंटू टाइम इज 1 होल अपान 100, ओके। सो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए और डेसिमल यहाँ पर 100 से हम बढ़ा देंगे तो 4 6 24 का 4 2 कैरी ओवर एंड 4 1 4 एंड 2 6 एंड 4 8 32 का 2 एंड 32 ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि 0 है एंड 4 1 4। सो यहाँ पर एक डेसिमल पहले से ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये 100 का भी डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल और प्लस इधर पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 43.264 रुपीज़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ द थर्ड हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर इज इतना। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द होल वन एंड हाफ ईयर्स। तो करना क्या है, सिंपली हमें ऐड कर लेना है, ओके। सिंपली हमें करना क्या है, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आया था और सेकेंड हाफ ईयर के लिए जो आया था उन सबको हमें ऐड कर लेना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर वन एंड हाफ ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 प्लस, मतलब ये जो पहले साल के लिए आया था सिंपल इंटरेस्ट उसको ऐड कर देंगे 41.6 में, ठीक है, प्लस जो थर्ड हाफ ईयर के लिए आया था उसको भी ऐड कर देंगे तो 43.264
इन सबको यदि ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड ये 6, तो ऐसे ही रहेगा। फिर 2 एंड 6 8, ठीक है। आफ्टर दैट डेसिमल को हम रख लगा देंगे ऐसे, उसके बाद से 3 एंड 1 4 एंड 4 4 एंड 4 12 124.864 रुपीस। यदि हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक यदि राउंडिंग ऑफ करें तो ये जो लास्ट में 4 लिखा हुआ है इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये 5 से लेस है, 5 से लेस है तो इसके पहले चेंज होगा नहीं, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख सकते हैं 124.86। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। 124.86 इज योर आंसर। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द 3 हाफ ईयर्स, मीन्स 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही फाइंड करेंगे आप, समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है। सो एक लाइक तो बनता ही है, आप लाइक कर दीजिए, और कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।